अरे बंदर यार, थोड़ा तेज भी चल ली यार। कब से सिले सिले चल रहा है, देख ले तेरे को शादी में लेके नहीं जाऊंगा। अरे सिंचन भैया, थक गए भैया। वैसे भी तुमको बड़ी दूर से घुमा रहे। चलो तुम अब कह रहे हो तो तुमको थोड़ी तेज भक्के दिखाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, भाग मेरे घोड़े, भाग जल्दी जल्दी भाग। अरे भैया सच में सांस फूल गई सिंचन भैया, पूरी गली में तुम्हें घुमा रहे। सुबह से देख लियो, फिर अपनी शादी में लेके नहीं जाऊंगा, आज मेरी शादी है। अरे चलो ठीक है सिंचन भैया, भक्ते भक्ते लो तुम्हारे घर पे पहुंच गए। अब तो उतर जाओ, कम से कम अब तो अपनी शादी में लेके चलोगे। अरे हाँ चल लेके चलूंगा, तो काफी अच्छा बंदर है। और चिंटू क्या हाल है, देख बंदर क्या मस्त है। अरे अरे सिंचन चाची, अब आप बंदर भैया की गोदी से उतर गए। अब बंदर भैया आप एक काम करो, मुझे गोदी में उठाओ। हाँ चल बंदर, अब तू ना चिंटू को घुमा दे, और चिंटू को तू लेके जाइयो हमारे स्कूल तक। ओ भैया तुमने क्या हमको घोड़ा समझ रखा है क्या भैया, एक उतर जाए तो दूसरा हम पे चढ़ जाए, अरे पागल हो रहे क्या। अरे चल निकल, अब तेरे को अपनी शादी में लेके नहीं जाऊंगा। अरे हाँ आज तो सिंचन चाचू की शादी है, मैं तो बहुत मजा करूंगा। अरे सिंचन भैया हम तो मजाक कर रहे थे। आजा चिंटू बेटा, थोड़ी सी सांस ले लू, उसके बाद तेरे को स्कूल तक घुमा के लाऊंगा पद्दी पे बिठा के। ये हुई ना बात, चल अब फटाफट से चिंटू को उठा। उठा रहे सिंचन भैया, यार तुम तो यार बुरा मान जाते हो। हाँ तो फटाफट से उठा ले, वरना अपनी शादी में लेके जाऊंगा। चल चिंटू बैठ जाओ उसकी गोदी में जाके। चलो गाइस, भाई मैं और मेरी वाइफ तो गाइस मस्त करके अभी पार्लर गए थे, और गाइस मेकअप सेकअप करवा के आ भी चुके हैं। और गाइस भाई मैंने वहीं से शॉपिंग करी और अपने ओपी वाले कपड़े पहन लिए, और साथ ही साथ में अपनी वाइफ को भी कपड़े दिला दिए। लेकिन गाइस मैंने अपने बेटे के लिए काफी मस्त वाले कपड़े खरीदे चिंटू के लिए, लेकिन गाइस उसने वो पूरे के पूरे फाड़ दिए। कह रहा कि भाई सिंचन की शादी में नंगा ही रहेगा। अब गाइस उसे कौन ही समझाए। और भैया आ गए भैया। अरे वाह फाइनली यार फ्रिंगल भी आ गई। चलो फ्रिंगल भी, अब मैं धूल्हे के कपड़े पहनूंगा ना। हाँ सिंचन भाई रुक, पहले गाड़ी को यहीं कहीं पे लगा दे। अरे पापा जी चले, पापा जी सिंचन चाचू के बारात घर पे, जहाँ पे सिंचन चाचू की शादी होगी। फ्रिंगल भैया तुम तो सच में काफी मस्ती लग रहे हो। गाइस आप लोग फटाफट से कमेंट में यार ओपी लिख दो, ओपी बढ़िया लग रहा हूँ ना सिंचन। बंदर बता आउटफिट कैसे लग रहा है। अरे वाह भैया ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिंगल भैया तुम्हारी शादी है, सिंचन भैया की तो शादी लगी नहीं रही क्योंकि भैया इन्होंने कपड़े पहने नहीं है। हाँ अभी सिंचन का मैं जस्ट लेके जा रहा हूँ। चल सिंचन तुझे अभी पार्लर में लेके जाना है, वहाँ पे तेरा मेकअप होगा, उसके बाद तेरे को ओपी वाले कपड़े पहने जाएंगे। चल बेटा चिंटू तू भी बैठ। अरे पापा जी मेरे कपड़े मैं नहीं पहनूंगा। हाँ बेटा तुझे कौन पहना रहा है, वैसे भी तू पहनने वाला नहीं, तूने अपने नए कपड़े फाड़ दिए। चल बंदर चाचू बाद में घूमूंगा तेरी गोदी में, लेट्स गो सिंचन भाई, निकलते हैं पार्लर की तरफ, वहाँ पे चल के फटाफट से तेरा मेकअप करवाएंगे। और हाँ सिंचन अभी तो तेरा मेकअप होने में भाई टाइम लगेगा, वहीं पे सिंचन तेरी ड्रेस भी पहने जाएगी। जब तक सिंचन मैं जाऊंगा भाई मैरिज होम की तरफ, वहां पर जाके सिंचन मेरे को थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। अरे फ्रिंगल भाई सच बताऊं तो यार मेरे पेट में तो गुदगुदी हो रही है क्योंकि यार मेरी शादी है। गाइस आप लोग यार फटाफट से कमेंट में ओपी लिख दो गाइस क्योंकि आज मेरी शादी है। और गाइस यार आप लोग यार फटाफट से वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज तो सिंचन चाचू की शादी में बहुत नाचूंगा, बहुत ज्यादा। और चिंटू भाई मैंने तुझे अपनी शादी में लेके नहीं जाऊंगा, पहले तू कपड़े पहन, अगर तू कपड़े पहनेगा तो ही मेरी शादी में, ये वरना मत यो। अरे कैसी बातें कर रहे हो, बुरा बन जाऊंगा फिर मैं। अरे बेटी फ्रैंकिल ने तो मेरे को अपना नौकरी बना दिया, उसकी शादी क्या है, उसका नौकर बन के घूमना पड़ रहा है। फ्रैंकिल बेटी ने मुझे कॉल करके बोला कि जाके बस ले आइयो और मेरे घर के बाहर से लोगों को उठा लियो और उनको सबको बस में बिठा के बारात घर तक लेके जाना, जल्दी बैठ जाओ रे सारे के सारे। अरे भैया बहुत बड़ी बस है, बहुत बड़ी, मैं तो मस्त करके पीछे वाली सीट पे बैठूंगा और उल्टी करूंगा उल्टी। चलो भैया फाइनली सिंचन भैया की शादी में जा रहे हैं, लोग चढ़ गए बस में। अरे बेटी आ जाओ सारे, जल्दी जल्दी चढ़ जाओ वरना खाना खत्म हो जाएगा वहाँ पे। चलो फाइनली सारे लोगों को मैंने बिठा तो लिया, और लोग तो नहीं रह गए। अरे हाँ भैया वो रह गया लिटिल सिंघम, रह गया भैया लिटिल। अरे भाड़ में जान दे बेटी लिटिल सिंघम को, अपना मस्त करके जाएंगे लिटिल सिंघम जाने अपनी परेशानी, हम निकलते हैं जल्दी बस में बैठ के। बस तो पूरी की पूरी फुल हो गई, पूरी गली वाले बैठ गए इसमें। ओए मैं क्या कर रहा, मेरे को उल्टी आ रही है उल्टी, फटाफट से रोक। अरे चल बेटी अब बस नहीं रुकेगी, वैसे भी तू पैसे नहीं दे रहा इसमें बस में बैठने के, जो तेल ले रोकू बस। अरे लिटिल सिंघम बेटा आ जा बेटा, बस चली जाएगी वरना। अरे लिटिल सिंघम बेटा आ जा, ये आएगा नहीं ऐसे, लगता है इसे फोड़ना पड़ेगा। लिटिल सिंघम कहाँ है। और पापा जी बस कॉफी पी रहा हूँ। क्या कह रहा है, कॉफी पी रहा है। हाँ पापा जी कॉफी पी के चलेंगे। अरे तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई, चलने के टाइम पे कॉफी पिएगा। अरे क्या हो गया, अरे बस चली जाएगी बेवकूफ, फिर हमको अपनी बाइक से जाना पड़ेगा। अरे तो पापा जी इसमें मारने की बात है, मारने की बात, तेरे को अभी कॉफी पीनी है, सुबह से 10 घंटे हो गए, 10 घंटे पहले तू उठ गया था, है जल्दी, जब से तुझसे कॉफी नहीं पी गई अब पिएगा, जल्दी आ जाओ। अरे चलो पापा जी चलो, मेरी कॉफी और बिखरवा दी, पर पापा जी अपने लगता है इसे पेलना पड़ेगा, जब भी कहीं जल्दी जाना होता है, जब ये लेट करवाता है, देख लियो अगर बस चली गई होगी ना तो तेरे को वहीं तोड़ूंगा, समझ रहे हो। अरे पापा जी कितना मारोगे, अभी देखो मेरे को बाइक से और गिरा दिया तुमने। अरे तुझे बाइक पे बैठना भी नहीं आता है, जल्दी बैठ, बैठ गया पापा जी। पापा जी काम करो, 100 की रफ्तार में भगाओ ताकि पापा जी बस भग ना गई हो। चलाओ पापा जी चलाओ। अरे यार आप तो काफी ढीले हो, एक बार मेरे को चलाने को दिखाओ, मैं उड़ा दूंगा इस बाइक को। अरे सुधर जा, पूरे दिन भर मेरे से पिटता है फिर भी नहीं सुधरा, ये ले करवा दिया ना तूने कांड, यही पे बस आने वाली थी, बस है ही नहीं। अरे इसका मतलब चलेगी बस, पापा जी चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे मेरे को गुस्सा आ रहा है, यहाँ कहीं
कहीं नाली नहीं है कि तेरे में तेरे को नाली में गिरा गिरा के मारूंगा। और फिर देख लो पापा जी, शादी में जा पाऊंगा मैं। हाँ तो अच्छी बात है, मत जाइए तो शादी में, मैं तो जाऊंगा कम से कम सिंचन की शादी में। भगवा पापा जी जंप लगा दो। ओ पापा जी क्या हाल है, ये ले गिर गया, गिरा दिया। और बोल भगाओ भगाओ, ये लो उठना पड़ेगा, तोड़ गई पूरी की पूरी हड्डी, अब तू पिला मेरे हाथ से। ये ले, मैं बस यही सोच रहा था बाइक कहीं रुके उसके बाद तेरे को तोड़ू। और क्या हो गया, ये ले क्या हो गया, इतना कुछ हो गया, उसके बाद तू मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या हो गया। ये ले हराम है बेटा, तुझे कहीं ले जाना, ये मिले आज तेरी हड्डियों को इतना तोड़ूंगा कि बेटा कभी कोई जोड़ नहीं पाएगा। और फिर पापा जी घर का काम कौन करेगा, अगर मेरी हड्डियों को तोड़ दोगे नहीं सुधरेगा, इसका मतलब तू लगता है गोली मारनी पड़ेगी तेरे। ये ले यार सिंचन, सबसे पहले तो भाई हम ही यहाँ पर पहुंच गए, ये चक्कर गाइस यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हैं और साथ ही साथ में गाइस सिंचन और सिंचन की वाइफ भी बैठी है, और ये खड़े गाइस वाइफ के मतलब सिंचन की वाइफ के पापा जी भी। लेकिन गाइस अब तक अपने लोग नहीं आए। अरे मुझे लगता है फ्रेंकल भाई यार बस वाला आदमी उनको लेके नहीं आएगा। बस वाला क्या ही आएगा गाइस, मैंने यार लैशर को बोला था कि बस ले आइए और सारे लोगों को बिठा के यहाँ पर ले आइए। गाइस यहाँ पर काफी सारे लोग आ रखे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, ये सारे के सारे गाइस सिंचन की जो वाइफ है ना उसके लोग हैं, मतलब उसके रिश्तेदार यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन भाई अपने रिश्तेदार क्यों नहीं आए, मैंने गाइस अपनी पूरी गली वालों को इनवाइट करा था यार शादी के लिए। अरे पापा जी देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना बिना कपड़े के। अबे इसको रोक भी दो कहीं पे, है कब से तू चला जा रहा है। अरे बेटी तेरे में दिमाग नहीं है क्या बेटी, इस बस को जब वहीं तो रोकूंगा जब मैरिज होम आएगा। ले आ गया मैरिज होम, अब उतर फटाफट से बहुत जल्दी हो रहे तेरे को। चलो बहुत बढ़िया, कम से कम पास तो गए, अब बढ़िया डीजे पे डांस करके फटाफट से खाना वाना लपेटूंगा। चलो भाई सबसे पहले तो मैं ही उतरा हूँ, ये लैशर को बस चलानी नहीं आती, कैसी टेढ़ी मेढ़ी चलाई। चलो फटाफट से जाके मैं भी खाना वाना खाई लू, क्योंकि गाड़ी बेचते बेचते मेरे सर में हो गया दर्द। चलो कम से कम कोई शादी का इनविटेशन तो आया मेरे घर पे। और क्या हाल है भाई फ्रेंकिल? अरे सिमियन तू अकेला आया क्या, तू तो भाई अपनी खुद की गाड़ी से आया होगा। अरे क्या बताऊं भाई, बस में बैठ के आया हूँ, लैस्टर ने टेढ़ी मेढ़ी बस चलाई। ओए बुड्ढा, ओए बुड्ढा इधर आ, ओए बुड्ढा तू है, मुझे बुड्ढा मत बोल, पता है बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का शोरूम है मेरा, यहाँ पर डांस पार्टी चल रही है। तो अरे पापा जी पेट्रोल भरवा गए तो तुम्हारी ये बग्गी बहुत तेज चल रही है, मन कर रहा है पापा जी मैं भी चला लूं। बस पापा जी एक बार आप उतर जाओ, उसके बाद मैं चलाऊंगा तुम्हारी बग्गी। अरे सुधर जा लिटिल सिंगम बेटा सुधर जा, ये बाइक है कोई बग्गी नहीं है, समझ रहे। और पापा जी आप तो बुरा ही मान जाते हैं छोटी छोटी बातों का। चलो फाइनली पहुंच गए यहाँ पर, लिटिल सिंगम ने सर दर्द कर दिया। अरे बहुत बढ़िया रे डांस चला, चलो पापा जी थोड़ा नाच लेते हैं। Thank you.
गाइस डांस करते करते मुझे लगता है गाइस ये डांस पटीना भी यार कंटिन्यू 2-3 घंटे तक चलेगी। तो जब तक मैं क्या करूँ गाइस, अब तो भाई मेरे से बिल्कुल भी डांस नहीं होने वाला। वैसे कुछ भी कहो गाइस, गाने पे डांस करने का मजा ही अलग है। लेट्स गो, एक काम करते हैं गाइस, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है, इसमें बैठ के कहीं निकल लेते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं। जब तक गाइस इनका डांस वांस खत्म होगा उसके बाद गाइस खाना पीना खाएंगे। सच बताऊं तो गाइस मेरे पेट में भाई चूहे कूद रहे हैं। और गाइस आपको पता है सिंचन की शादी गाइस हमने भाई दिन में ही खत्म कर दी। हां गाइस रात में गाइस काफी ज्यादा झमेला हो जाता है, इसलिए गाइस हमने सोचा कि सिंचन की शादी भाई दिन में करवाई जाए। वैसे तो गाइस दिन में शादी काफी कम होती है, लेकिन कोई टेंशन नहीं गाइस, सिंचन की वैसे भी ये दूसरी शादी है तो दिन में करवा ली, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। और गाइस सच में भाई उस मैरिज होम के अंदर तो काफी सारे लोग आ रखे हैं। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ भाई, जैसी सिंचन की शादी हो जाए उसके बाद गाइस मेरी वाइफ होगी, सिंचन की वाइफ होगी, और गाइस चिंटू और मेरी गली के अंदर जितने भी सिंचन के दोस्त हैं हम सब गाइस पिकनिक पे जाए। हाँ गाइस सच में काफी मजा ही आने वाला है। अगर गाइस आप लोग वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकिल सिंचन आपके भाई तो यार, फटाफट गाइस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता है गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यार वाला बाय।